दोस्तों 15 अगस्त के बाद में ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने काफी बड़े बड़े धमाके किए हैं और अब कंपनी दिवाली से पहले काफी कुछ नया लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो अगर आपके पास में इस टाइम पर ओला स्कूटर है या फिर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो फ्यूचर में कंपनी अपने इस स्कूटर के लिए क्या कुछ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से दबाएं। सो गाइस, अगर आप इस टाइम पर एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट 1 लाख रुपए के आसपास है तो इस टाइम पर आप ओला S1 के लिए जा सकते हैं। ये काफी अच्छा स्कूटर है और एक वैल्यू फॉर मनी स्कूटर भी है। साथ ही अगर आपका डेली का रन थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे कि 100 किलोमीटर से ज्यादा का है, तो फिर आप ओला S1 प्रो के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ओला S1 प्रो ही एक ऐसा स्कूटर है जो कि काफी अच्छी रेंज निकालकर इस टाइम पर दे रहा है। बाकी इन दोनों स्कूटर में अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि दोनों स्कूटर में से कौन सा स्कूटर लिया जाए, किसमें क्या रेंज मिलेगी, किसमें क्या फीचर मिलेंगे, तो इन दोनों स्कूटर के ऊपर हमने कंपैरिजन वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट करना, वो वीडियो काफी अच्छी वीडियो है। नेक्स्ट दोस्तों, जब ये स्कूटर लॉन्च किए गए थे, यानी कि पिछले साल जब ये स्कूटर लॉन्च किए गए थे तो कंपनी ने इस स्कूटर के साथ में कोई भी एसेसरीज वगैरह लॉन्च नहीं की थी और अब कस्टमर की भारी डिमांड के बाद में कंपनी इस स्कूटर के लिए एसेसरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो कि नेक्स्ट मंथ हमें देखने को मिलेंगी। जिसमें कि कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने ट्विटर पर पोल डालकर पूछा था कि आप कौन कौन सी एसेसरीज लेना चाहते हैं। वहीं कंपनी इस स्कूटर के लिए अब कस्टमाइज हेलमेट, लेडीज फुट रेस्ट, सेंटर स्टैंड, प्रोटेक्शन गार्ड एंड ग्रैब हैंडल वगैरह लॉन्च करेगी। अब ये सभी चीजें हमें एक बंडल में मिली जिसकी प्राइस मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 5000 रुपए से कम होने वाली है, क्योंकि आप देखते हैं तो नॉर्मल जो अभी अमेजन पर थर्ड पार्टी एसेसरीज वगैरह बेच रहे हैं उनकी प्राइस भी 3000-3500 रुपए के करीब है। तो आप में से कितने लोग हैं जो कि ओला स्कूटर की ऑफिशियली जो एसेसरीज लॉन्च होंगी वो लेने वाले हैं, कमेंट करके जरूर से बताना। नेक्स्ट, कंपनी ने अब अपने हाइपर चार्जर पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि ओला कस्टमर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सभी हाइपर चार्जर अब इंस्टॉल होना भी स्टार्ट हो गए हैं। दिल्ली वाले हाइपर चार्जर का मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि ये हाइपर चार्जर कहां कहां इंस्टॉल किए गए हैं, सब डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। बाकी कंपनी क्लेम करती है कि 18 मिनट की चार्जिंग से आप इस स्कूटर को 75 किलोमीटर तक चला सकते हैं। वहीं कंपनी का प्लान इस साल के एंड तक 4000 हाइपर चार्जर को इंस्टॉल करना है पूरे इंडिया में। तो अब अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो इजिली जा सकते हैं और वहां पर जाकर आप अपने स्कूटर को फास्ट तरीके से चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप ओला स्कूटर को ऑनलाइन की जगह पर ऑफलाइन भी बाय कर सकेंगे। जैसे कि और स्कूटर को आप ऑफलाइन बाय करने जाते हैं, उसी तरीके से आप ओला स्कूटर को भी बाय कर सकेंगे। और अगर आप इस स्कूटर को ऑफलाइन बाय करते हैं तो आपको इस स्कूटर की जो डिलीवरी है वो काफी फास्ट देखने को मिलेगी, जिसमें कि कंपनी ने अभी रिसेंटली 8 नए फिजिकल शोरूम को ओपन किया है और धीरे धीरे करके कंपनी इस तरीके के 200 से ज्यादा एक्सपीरियंस सेंटर को और ओपन करने वाली है पूरे इंडिया में। इन ईवी सेंटर में जाकर आप अपने लिए ओला S1 या फिर ओला S1 प्रो को परचेज कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, फाइनेंस ऑप्शन भी यहां पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपका सर्विस से रिलेटेड कोई भी इशू है तो भी वो भी यहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो जो भी लोग ऑफलाइन परचेजिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट, कंपनी अपने इस स्कूटर के लिए MOVE S2 का ऑलरेडी अपडेट दे चुकी है, जिसमें कि हमें क्रूज कंट्रोल, नेविगेशन, म्यूजिक प्लेबैक एंड इको मोड देखने को मिलता है। बट अभी भी इस स्कूटर के काफी सारे ऐसे फीचर हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल हैं, जो कि MOVE S3 अपडेट में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हील होल्ड, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, मूड्स विजिट, रीजन V2, हाइपर चार्जिंग, कॉलिंग फीचर, की शेयरिंग, वाईफाई इनेबल और काफी कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि आपको दिवाली पर ही देखने को मिलेंगे। यानी कि दिवाली पर काफी बड़ा धमाका होने वाला है इस बार ओला कंपनी की तरफ से, जो भी लोग इस स्कूटर को परचेज करने वाले हैं या फिर जिनके पास में ये ओला स्कूटर ऑलरेडी है। तो ये थी दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ से कुछ नई अपडेट जो कि आप लोगों को जरूर से पसंद आई होगी। बाकी आप लोग इनमें से कौन सी अपडेट के लिए ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर से बताना और वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड सेफ राइड।